जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। कई श्याम भक्तों ने हमसे निवेदन किया है कि खाटू श्याम नगरी में खाटू श्याम बाबा का सिर कैसे प्रकट हुआ, इस मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, कृपया हमारे साथ उस कहानी को शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने खाटू श्याम बाबा के कई वीडियो आप तक पहुँचाए हैं। ना केवल खाटू श्याम बाबा के बल्कि भारत के कई अनेक चमत्कारी मंदिरों की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाती है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हमारे कई व्यूवर्स ने, खाटू श्याम बाबा के भक्तों ने निवेदन किया है कि खाटू श्याम बाबा की अवतरण की कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम हारे के सहारे कलयुग में अवतारी खाटू श्याम बाबा की कहानी, मंदिर की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे खाटू श्याम बाबा का सिर अवतरित हुआ और कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये वीडियो काफ़ी रोचक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। बर्बरिक के खाटू श्याम बनने की पूरी कहानी हमने एक अलग से वीडियो में शेयर की है। यदि आप बर्बरिक के खाटू श्याम बनने की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि मंदिर का निर्माण, मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कैसे खाटू श्याम बाबा का सिर अवतरित हुआ। बर्बरिक के महान बलिदान से भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से शीर्ष का दान मांगा तो उन्होंने क्षण भर भी विचार नहीं किया और हंसते हंसते अपना ही सिर काट कर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थमा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने महामाया देवी भगवती से निवेदन किया कि आप बर्बरिक के सिर को अमृत प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार देवी ने बर्बरिक को अमृत प्रदान किया और जैसे ही बर्बरिक ने अमृत का पान किया, जैसे ही बर्बरिक के शीश को अमृत मिला, बर्बरिक फिर से जीवित हो उठे, यानी कि बर्बरिक के का शीश जीवित हो उठा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से, यानी कि श्याम नाम से जाने जाओगे, और बर्बरिक से पूछा कि क्या तुम्हारी कुछ इच्छा है। तब बर्बरिक ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे महाभारत का युद्ध देखना है, तो मुझे महाभारत का युद्ध देखने की कुछ ऐसी शक्ति दीजिए, अनुमति दीजिए कि मैं महाभारत का युद्ध देख सकूं और मेरी देह को आप अपने स्वयं के हाथों से अग्नि प्रदान करें। ये दो इच्छाएं उन्होंने प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी सारी शक्तियां प्रदान की और वरदान दिया कि तुम माता की आज्ञा से हारने वालों का साथ देने के लिए आए हो और इसीलिए तुम सदैव हारे के सहारे बनोगे। और एक दिन कलयुग में चमत्कार हुआ, खाटू नगरी में खाटू श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ, आइए इसे जानते हैं। तो खाटू श्याम जी की लीला से खाटू श्याम मंदिर के पास ही श्याम कुंड में खाटू श्याम बाबा का शीश अवतरित हुआ। इसके पीछे एक कहानी है, पौराणिक कहानी है, चलिए उसे सुनते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन बात है। खाटू नगरी में, खाटू धाम में एक गाय रोजाना, जो कि घास चरने के लिए घास के मैदान में जाया करती थी, वहाँ मैदान में रोजाना जमीन के एक भाग पर खड़ी हो जाती और जैसे ही वो एक निश्चित स्थान पर खड़ी होती, उसके थनों से अपने आप ही दूध की धारा बहने लगती। वो दूध की धारा लगातार बहती और जमीन में समा जाती, जैसे कोई जमीन के अंदर से उस गाय के दूध को पी रहा हो। गाय जब चर के अपने घर जाती तो गाय का मालिक उसका दूध निकालने की कोशिश करता, नेचुरल है, दूध का प्राप्त करने के लिए ही वो गाय को उसने पाला था। तो जब वो दूध निकालने की कोशिश करता तो दूध निकलता ही नहीं। अब ऐसा एक दिन, दो दिन, चार दिन, बहुत दिनों तक चलता रहा। गाय के मालिक ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई इस गाय का दूध निकाल लेता है और जब मैं कोशिश करता हूँ तो गाय दूध देती ही नहीं। तो एक दिन गाय के मालिक ने सोचा कि क्यों ना इस गाय का पीछा किया जाए और देखा जाए कि कौन है जो इस गाय का दूध निकाल लेता है। तो उसने गाय का पीछा किया, संध्या तक उसने गाय का पीछा किया और जैसे ही शाम हुई उसने एक नज़ारा देखा, एक ऐसा नज़ारा देखा कि जिससे उसकी आंखें
चकरा गई। वो गाय उस निश्चित स्थान पर गई और दूध अपने आप ही निकलने लगा और धरती में समाने लगा, जैसे कोई दूध को पी रहा हो। गाय के मालिक ने देखा कि गाय का दूध तो अपने आप ही निकल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर सब कुछ उसके नज़रों के सामने ही हो रहा था। ऐसा चमत्कार देखकर गाय के मालिक की आंखें चकरा गई। गाय का मालिक बड़ा आश्चर्यचकित था, मगर उसके पेट में आफरा आ गया। उसके पेट में बात खट नहीं रही थी, चुभ रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो वो भागा भागा गांव के राजा के पास गया और राजा को पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरी गाय एक मैदान में जाती है, वहाँ खड़ी होकर अपने आप ही दूध उसका निकलने लगता है और शाम को मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। राजा और उसकी सभा को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये गपोड़ी कहाँ से आ गया, ये फालतू की बात कर रहा है। मगर उसके बार बार कहने पर राजा की भी इच्छा जाग उठी कि आखिर देखें कि है क्या, क्या माजरा है। तो अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ उस गाय के पीछे पीछे गया। शाम हुई, वो गाय वहाँ मैदान में खड़ी हुई और गाय के थन से अपने आप ही दूध निकलने लगा। सभी लोग देख रहे थे, गाय का दूध अपने आप ही निकल रहा था और ज़मीन में जा रहा था, जैसे कोई दूध को पी रहा हो। अब राजा और उसके मंत्रियों को समझ में आ गया कि ये गाय का मालिक तो सही बोल रहा है। राजा ने अपने कुछ लोगों को बुलवाया और कहा कि ज़मीन का वो हिस्सा खोदो जहाँ पर गाय ने दूध दिया था। ज़मीन के उस भाग को खोदा गया। जैसे ही खोदा जाने लगा, वहाँ धरती से आवाज़ आई, अरे अरे धीरे 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 खोदो, यह मेरा शीश है। उसी रात्रि राजा को सपना आया। सपने में खाटू श्याम जी ने राजा को दर्शन दिए और कहा कि मेरे शीश के अवतरित होने का समय आ चुका है। मैं महाभारत काल में वीर बर्बरिक के नाम से जाना जाता था और मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था और उसी के फलस्वरूप मुझे कलयुग में पूजित किए जाने का वरदान मिला है। और जहाँ तुमने खुदाई की है, जहाँ गाय रोजाना दूध छोड़ जाया करती थी, वो मेरा ही शीश वहाँ पर दबा पड़ा है। तो सावधानी से खुदाई करो, खुदाई में मेरा शीश मिलेगा और तुम उसे खाटू में मंदिर बनाकर उसकी स्थापना कर देना। सुबह जब राजा उठा तो उसने सपने की बात को ध्यान में रखकर स्वयं खुदाई शुरू की। थोड़ी सी देर में ही कलयुग में अवतारी श्याम बाबा का शीश उस धरती से प्रकट हो गया। राजा ने उस शीश को मंदिर बनाकर स्थापना की, जिस मंदिर में आप खाटू श्याम बाबा के साक्षात दर्शनों के लिए जाते हैं, वो उस खुदाई से निकला हुआ ही शीश है। कहते हैं कि इस शीश के खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आप भी जा सकते हैं। तो यह है खाटू श्याम बाबा के शीश के अवतरित होने की कहानी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ श्याम भक्तों, यदि आप पहली बार श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो आपको खाटू श्याम के आसपास के सभी दर्शनीय स्थलों को एक बार जरूर घूम कर आना चाहिए। श्याम कुंड में जरूर से स्नान करना चाहिए। श्याम बगीची है, वहाँ जाकर आप बगीची के दर्शन कीजिए। गौरी शंकर मंदिर है, पास ही में जीर्ण माता मंदिर है, बहुत सारे लोगों की कुलदेवी है, खासकर अग्रवालों की कुलदेवी है। तो वहाँ पर आपको जीर्ण माता मंदिर के दर्शनों के लिए भी ज़रूर से जाना चाहिए। बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है, कहते हैं कि जीर्ण माता सभी की रक्षा करती है, खासकर जिन लोगों की कुल देवी है उनकी तो रक्षा करती ही है, लेकिन जो भी माता जीर्ण माता के दर्शनों के लिए जाता है उसकी भी माता हृदय से रक्षा करती है, उसकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती है। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।
जय जीण माता, जय श्री श्याम।